नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब के फन मिले आए हैं। डॉक्टर साहब, आज हमें ये बताइए, आपकी थायराइड क्या होता है? थायराइड दरअसल एक ग्लाइड्स का नाम है, मगर थायराइड की जब हम बात करेंगे, थायराइड इटसेल्फ अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये एक कंप्लीट सीरीज है ग्लाइड्स की, जिसको हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ये आपस में मिलकर सारा काम करता है। थायराइड के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा और विस्तार में कुछ जानना होगा। सबसे पहले ऐसे होता है कि हमारे शरीर के पिछले पासे, यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड का आखिर होता है, मेडुला के पास, यहाँ एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जितनी हमारी नाड़ी सिस्टम है, वो हाइपोथैलेमस से जुड़ता है ब्रेन को। हाइपोथैलेमस से आगे एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस उसे कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ आगे पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड के आगे फिर थायराइड ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड दरअसल तीनों मिलकर ब्रेन का काम यही करते हैं। पिचरी ग्लैंड जो है, हमारे जितने ग्लैंड्स हैं जिसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, उनको कंप्लीट को पिचरी ग्लैंड उनका हेड है। पिचरी ग्लैंड का हेड जो है हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के बाद पिचरी ग्लैंड है, पिचरी ग्लैंड के बाद हमारे पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड का दरअसल अलग अलग इनका सभी का फंक्शन होता है। जैसे पिचरी ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उनको हदायतें करता है, उनका पूरा निगरान का काम जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। उसके बाद जो हमारा पिनियल ग्लैंड है, ये हमारे बॉडी के लिए कब आराम का, नींद का, सारी चीज़ों का ध्यान इसके पास होता है। इसके पास एक हार्मोन्स भी होते हैं, जो हार्मोन्स स्पेशली ये नींद के लिए, हमारी रेस्ट के लिए रिलीज करता है। ठीक है, जिसे मेलाटोना हार्मोन कहते हैं। मेलाटोना दरअसल ये यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है, मेला का मतलब होता है अंधेरा, और टोना का मतलब किसी चीज़ की एनर्जी, वो एनर्जी देता है जिसके लिए हम रेस्ट करते हैं। अगर जब भी हमारी नींद में कोई चीज़ प्रॉब्लम की, नींद में या किसी रेस्टलेस होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आती है या सही नींद नहीं आती, इसका रीज़न भी यही होता है कि हमारे ये जो पिनियल ग्लैंड है, इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है। उसके आगे फिर होता है हमारे थायराइड ग्लैंड, जिसकी आप बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में आजकल इसका बहुत बोलबाला है, लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड का, सबसे पहले डॉक्टर यही कहेंगे तो इसका थायराइड ग्लैंड चेक करो। थायराइड ग्लैंड दरअसल क्या है, जो निचले जितना भी सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करता है, उसकी सुपरविजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये हमारे ये जो गला होता है, इसके आगे यहाँ होता है, इसकी शक्ल एक ऐसे तितली जैसी होती है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के साथ एक ग्लैंड और होता है, जिसको इसके बैक साइड होते हैं, यहीं इसी जगह, उसे पैरा थायराइड ग्लैंड कहते हैं। वो छोटे छोटे चार ग्लैंड होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा फंक्शन है बॉडी में। जो पैरा थायराइड ग्लैंड है, वो हमारी कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, इवन बॉडी में और चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, फास्फोरस को भी कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों को वो करता है। जो थायराइड ग्लैंड है, वो बॉडी का बैलेंस बनाकर रखता है। जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है, तो बॉडी में दरअसल प्रॉब्लम आनी शुरू आती है। अगर थायराइड ग्लैंड स्लो हो जाए, मतलब उसको सुस्त हो जाए, सुस्त होने के साथ बॉडी भी सुस्त हो जाएगी, हार्मोन सुस्ती वाले रिलीज करेगा, वो सुस्त हो जाएगी। उसे डॉक्टरी भाषा में हाइपोथायराइड बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है स्लो होना, किसी चीज़ का सुस्त होना, किसी चीज़ का नीचे चले जाना। और जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करता है, ओवर एक्टिव होता है, उसे कहते हैं हाइपर। जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, वो फिर हाइपर हो जाता है। फिर बॉडी सिस्टम में जितनी भी बातें हैं, जैसे हम ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, हमारी फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी का काम कार्यक्रम है, वो उतना ही स्पीड में बढ़ जाता है जितना वो हाइपर होता है। जितना वो सुस्त होता है, उतना फिर बॉडी सुस्त हो जाती है। जैसे जब सुस्त हो जाएगा तो इंसान को उठने को दिल नहीं करेगा, वो सुस्त हो जाएगा,
उसका शरीर भार आ जाने लग जाएगा, खाना कम खाएगा, एनर्जी उसकी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, सुस्ती टाइप बन जाएगा, उसका शरीर भी दुखता रहेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, और कितनी ऐसी अलामतें उसमें आती हैं। ठीक है, बीपी स्लो रहने लग जाएगा, और ख़ास करके लेडीज़ में इसके स्लो होने से माइग्रेन की प्रॉब्लम, और जो पित्ता जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसका स्टोन भी इसकी वजह से बनता है। जब थायराइड ग्लैंड स्लो, जिनके भी स्टोन बनेगा उनका सिंपल ये है कि उनका जो थायराइड जो है वो हाइपो है, सुस्त हो गया है। ठीक है, और उसके बाद माइग्रेन का प्रॉब्लम, और एसिडिटी भी बन जाती है माइग्रेन की वजह से, एसिड भी बनने लग जाता है, बिंड भी बनने लग जाती है, और कॉन्स्टिपेशन भी आने लग जाती है, क्योंकि ये स्लो होने से खाना सही हजम नहीं होता, उसकी वजह से ये तीन चार कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये अलामतें भी इसकी वजह से आ जाती है। उसके आगे अगर ये तेज होता है तो इसके उल्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह कई बार तो ज़्यादा अगर फास्ट हो जाए तो दो तीन चार बार किसी को पेट साफ होता है, और फास्ट होता है वो आदमी एनर्जी बहुत ज़्यादा अनसेस इस्तेमाल करता है, खाना ज़्यादा खाता है, और उसके फंक्शन जितने बॉडी के थोड़े फास्ट हो जाते हैं। और पैराथायराइड का ग्लैंड का और इसका दोनों का काम एक और वो बड़ी है, ये हमारे आगे ग्लैंड को, जैसे हमारे एंड्रियन ग्लैंड हैं, ठीक है, टेस्टिज हैं, लेडीज़ में ओवेरियन ग्लैंड हैं, और स्पेशली ये जो हमारा पैनक्रियास है इसको भी यही कंट्रोल करता है, जो हमारी शुगर का कंट्रोल है जो ये इसके पास ही होता है, थायराइड ग्लैंड के पास। अगर इसका जो राइट है जिसको सज्जा कहते हैं, ये जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए ये इसको चेक करता है, चेक करते करते जब हमारे शरीर में, हमारे रक्त में खाना खाते खाते शुगर की जो मीठे की मकदार बढ़ जाती है, तो ये एकदम वहाँ क्या करता है, पैनक्रियास को कहता है कि आप इंसुलिन रिलीज़ करो, या इंसुलिन यहाँ भी हमारी बॉडी में रिलीज़ होती होगी, इसका कोशिश होगा कि ब्लड स्ट्रीम में अगर शुगर बढ़ रहा है, मीठा बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तब ये इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए बॉडी फंक्शन में एक्टिव होता है। वो जब ये इंसुलिन रिलीज़ करता है तो दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो वो क्या करता है, जब इंसुलिन रिलीज हो रही होती है वो चेक करता है कि इंसुलिन कहीं ज़्यादा तो नहीं रिलीज होगी। जब ये देखता है कि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगी तो जो लेफ्ट वाला है, जो जिसको हम बाएं वाला कहते हैं, वो दाएं वाला है, वो इंसुलिन रिलीज होने से रोकता है। ये मतलब शुगर का मकदार भी हमारी बॉडी में यही बनाता है। उसके आगे हमारे जो एंड्रियन ग्लैंड हैं, ओवेरियन ग्लैंड हैं, टेस्टिस हैं, ये सारे ग्लैंड का एक सीरीज है, इनको कंप्लीट मिलाकर इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन का मतलब होता है, इंडो मींस इंडिपेंडेंट, क्राइन का मतलब जो सीक्रेशन सीक्रेट तौर पे करते हैं, इसलिए अपने आप में आजाद भी हैं मगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी एक दूसरे की वजह से ये इकट्ठे काम करते हैं। अगर किसी से ये डीलिंक हो जाए तो बॉडी फंक्शन हमारा डीलिंक हो जाता है, ठीक काम नहीं करता। डॉक्टर साहब, जब थायराइड की बीमारी होती है तो पेशेंट को कैसा फील होता है, उसे कैसे सिम्टम्स मतलब सामने आते हैं? पेशेंट को जब बीमारी आती है तो उसको सबसे पहले तो ये होता है कि अगर ये एक हाइपर है, एक हाइपो है, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड्स का सुस्त हो जाना, कम काम करना, कम उसका एक्टिव होना। हाइपर का मतलब थायराइड का ज़्यादा काम करना, ज़्यादा फंक्शन करनी और ज़्यादा फास्ट रहना। जब तो होता है ये हाइपो, हाइपो में मैं पहले भी आपको बोला है कि जब थायराइड हाइपो होता है, हाइपो में क्या होता है, भूख भी कम लगती है, कम खाने से क्योंकि हमारी एनर्जी यूज़ नहीं होती, क्योंकि हाइपो वाले लोग सुस्त होते हैं, सुस्ती की वजह से एनर्जी कम होती है, इसलिए बॉडी में सबसे पहली बात यह मोटापा आना शुरू होता है। ठीक है, मोटापा आना शुरू होता है। दूसरा, खास करके लेडीज़ में ये ज़्यादा होता है, और उसके आगे सिर दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन शुरू हो जाती है, गॉल स्टोन हो जाते हैं, हाजमा जो है सही खाना पचता नहीं है, हजम नहीं होता, पेट में गैस, एसिडिटी वगैरह ये सारी बनने लग जाती है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है ये, और किडनी फंक्शनिंग, लीवर फंक्शनिंग, अगर तो थायराइड स्लो है स्लो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, अगर थायराइड एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, जिसे हम हाइपर बोलते हैं, तो हमारे सारे फंक्शन जो है फास्ट हो जाते हैं बॉडी के, फिर एनर्जी
देखा होगा, जितने लोग जिनका हाइपर होता है वो इधर उधर भागे फिरते रहते हैं, ज़्यादा खाने के बावजूद भी स्लिम रहते हैं, एनर्जी को वेस्ट करते हैं, स्टेबल होकर काम नहीं करते, ऐसी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। डॉक्टर साहब, अमूमन ये किस उम्र में होता है? इसका आजकल मैं जो देख रहा हूँ ज़्यादातर ये 15-20 साल से ही शुरू हो जाता है। मैं देखा कुछ बच्चों को 10 साल में भी है, पहले कभी कभी सुनते थे, मगर एक बात जो मैंने देखी है, ये थायराइड जो है, जिसको थायराइड का रोग कह रहे हैं, जो प्रॉब्लम कह रहे हैं, जो डिजीज़ कह रहे हैं, ये परमानेंट नहीं होती। परमानेंट हमेशा थायराइड की प्रॉब्लम डॉक्टर की अनगहली से होती है, क्योंकि जब हम थायराइड के लिए थायरोक्सिन जो है मेडिसिन लगा देते हैं तो क्या होता है, जैसे शुगर के लिए हम डायबिटिक वाले पेशेंट को इंसुलिन लगा देते हैं, वो होता क्या है ऐसे केसों में, और भी जैसे भी केस हैं, वो क्या होता है कि बॉडी जो है, जो 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 हमारा थायराइड ग्लैंड्स है, वो क्या करता है, अपने हार्मोन रिलीज करने बंद कर देता है, क्योंकि थोरिन से जो है बाहर से हार्मोन्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से वो सुस्त हो जाता है, उसको हम लगातार उसको दवाई लेने से वो काम करना बंद कर देता है, तो हम परमानेंट उसके मरीज बन जाते हैं। ऐसे ही शुगर पेशेंट में है, जब हम इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन लेने से क्या होता है, पैनक्रियाज और हमारा बॉडी सिस्टम इंसुलिन बनानी बंद कर देता है, उसको पता बाहर से आ रही है, क्योंकि बॉडी में एक ऑटो फंक्शन है, बॉडी हर चीज़ की फाइट के लिए कोशिश करती है कि उसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी डेवलप करे, बॉडी का पूरा कोशिश होता है कि इम्यूनिटी डेवलप करें। अगर आप बॉडी का साथ देते हैं तो बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर ही लेती है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, मगर हम लोग इंतजार नहीं करते। आज आज थायराइड का चेक हो गया, आज लगा कि थायराइड बड़ा हुआ है, आज से ही हम परमानेंट दवाई शुरू कर लेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि थायराइड का अगर पेशेंट है, या बीपी का भी पेशेंट है, अगर शुगर का भी पेशेंट है, हम उसको पहले घरेलू उपचार, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपनी सोच को ठीक करके इनको ठीक करें। जी डॉक्टर साहब, इस जब किसी को हो जाता है थायराइड तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? हाँ, एक तो ये है कि थायराइड वाले को रोजाना अपना काम, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे सैर करता है, वो जरूर करना चाहिए, एक दो घंटे स्वेटिंग जरूर निकालनी चाहिए। अगर आप स्वेटिंग नहीं निकालेंगे तो थायराइड कभी भी क्योर नहीं होगा। दूसरा, थायराइड वाले को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि खाने के साथ लिक्विड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पहले आधा घंटा घंटा खाने को हजम होने दे, उसके बाद वो अपना जो पानी धानी उसके बाद पिए, ताकि वो खाना ठीक से हजम हो जाए। और खाने के साथ जब हम पानी वगैरह लिक्विड वगैरह पीते हैं, स्पेशली खास करके ठंडा, तो थायराइड और स्लो हो जाता है, उसमें और नुकसान होता है। तीसरा ऐसा है कि हम सीजन के खाने खाएँ, ऋतु के खाने खाएं। जब हम ऋतु के खाने खाते हैं, कुदरत का एक निज़ाम है, ये खुदा के घर का, कि आप खाना जो सीजन का खाना है परमात्मा ने उसी सीजन के लिए, उसी बॉडी के लिए, उसी एरिया में बनाया है। जब हम बाहर से खाने लाकर, अपने एरिए से बाहर जाकर, अपने क्षेत्र से बाहर जाकर, हमारी टोपोग्राफी से बाहर जाकर अनुकूल खाने नहीं खाते, अनुकूल खाने ना खाने की वजह से वो खाने शरीर के अनुकूल नहीं रहते, इसलिए वो खाने बॉडी के लिए कभी भी सही नहीं रहते। अगर खाने बॉडी के लिए हम सही खाना खाते हैं तो बॉडी सही रहती है, तो थायराइड भी सही होना शुरू हो जाता है। थायराइड के लिए स्पेशली ये है कि जिंजर गार्लिक इसका खूब इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली साबूदाने की खीर वगैरह, साबूदाने का इस्तेमाल करना चाहिए, अखरोट, बादाम, पिस्ता, न्यूज़े, स्पेशली चिलगोजे। चिलगोजे हिमाचल में एक पेड़ होता है जिसे पाइन बोर्ड बनती है, जिससे पाइन का ट्री, उसके जो फ्रूट्स होते हैं चिलगोजे कहते हैं। अगर हम चिलगोजे वगैरह 5-7 रोज खाते हैं, अदरक जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सैर करते हैं, ठीक सोचते हैं, ठीक खाना खाते हैं, तो थायराइड अपने आप रिकवरी शुरू कर लेता है, ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए कोई और भी घरेलू उपाय हैं? ये सारे घरेलू इलाज ही हैं, ये सारे दवाइयाँ, कोई ऐसी आयुर्वेदिक, कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी है, वो दवाइयों में भी हम वही वो सौंठ वगैरह होती है, दो 6-7 दवाइयाँ और है जो हम बनाते हैं यहाँ, वो मिलकर वो थायराइड का रिजल्ट अच्छा रहा है, वो थोड़ा कॉस्टली है दवाइयाँ, वो बन जाती है, मगर ये कोशिश करनी चाहिए घरेलू उपचार से ही थायराइड को ठीक कर लिया जाए, क्योंकि ये घरेलू उपचार करने से, ये चीज़ें बरतने से लगभग 90% थायराइड के रिजल्ट ठीक आते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो चीज़ें जो हमें खाने में इर्द गिर्द अवेलेबल है, उपलब्ध है, उनको ही सबसे पहले यूज़ कर बरतना चाहिए, बाद में दूसरी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए।
थायराइड से और क्या प्रॉब्लम आती हैं? थायराइड से मैं पहले भी कहा कि सारी बॉडी फंक्शन दरअसल हमारा इंडोक्राइन सिस्टम की वजह से बैलेंस करता है। बॉडी में दो चीज़ों का बहुत बड़ा फंक्शन है, एक इंडोक्राइन सिस्टम का, एक प्रोटीन का। जैसे प्रोटीन का मेन जो है उसके साथ तो वो थैलमस उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वो लंबी बातें हैं। मगर देखिए थायराइड की वजह से ही लेडीज़ में स्पेशली जितनी गाइनीज़ की प्रॉब्लम आती है, जेंट्स में जो है जेंट्स वाली प्रॉब्लम आती है, ये थायराइड की वजह से ही आती है। जैसे लेडीज़ में आम देखा होगा आपने कभी कि लेडीज़ को हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स आती है वो हार्मोन का मतलब ही थायराइड की वजह से प्रॉब्लम है, ऐसी जेंट्स में आती है। ऐसे जितनी बॉडी में हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है ये थायराइड की सही काम करने की वजह से नहीं, ना काम करने की वजह से आती है। अगर थायराइड आपका सही फंक्शन कर रहा है तो बॉडी में कोई बीमारी नहीं आती, जल्दी बाल भी नहीं झड़ते। इवन डॉक्टर साहब, अगर किसी को थायराइड हो जाए तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए जब भी कोई डाउट होता है या शक होता है या किसी को थायराइड होता है तो उसमें दो टेस्ट मेन होते हैं, एक T3 एक T4। दरअसल मोस्ट प्रॉब्ली हम T4 का डॉक्टर लोग टेस्ट कराते हैं। जब ये T4 होता है ये इसकी एवरेज ऐसे चलती है, अगर T4 हार्मोन आप में 80 हैं तो T3 को 20 गिनते हैं, इनका रेशियो ऐसे चलता है। मगर कमाल की बात आगे एक और है कि जो T3 है उस हार्मोन की जो एनर्जी है वो 4 times है T4 से, इसलिए दोनों बराबर ही होते हैं। इनडायरेक्टली डॉक्टर इसको चक्कर चुंडे में डाल लेते हैं कि ये T4 आपका बढ़ गया है, T3 कम है, जबकि T3 अगर 20 है वो T80 है, तो दोनों बराबर ही होते हैं। इसलिए T3 जो थायराइड का T का मतलब थायराइड टेस्ट, इसका थायराइड टेस्ट होता है उसे पता चल जाता है। उसके पता चलने के बाद घरेलू बहुत उपचार हैं, ठीक है, स्पेशली इसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, 2-3 योग की हैं एक्सरसाइज वो भी कर लें। इसमें सिंहासन जो है, सिंहासन जिसे कहते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है, और नेक की ये एक्सरसाइज नेक की बहुत ज़रूरी है, ये थायराइड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जहाँ से जो ब्रेन सिस्टम है इसको ठीक करती है, ठीक करने से थायराइड का एक्टिव हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक भी हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, थायराइड की मेडिसिन से बेटर ये होगा, अच्छा यही होगा कि आप घरेलू उपचार करें, एक्सरसाइज करें, खाना टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे रेस्ट करें, और अपनी स्वेटिंग जरूर करें, उससे थायराइड ठीक हो जाता है। थायराइड ठीक होने से ही फिर सारा बॉडी सिस्टम भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब ने हमें थायराइड पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ D5 चैनल हिंदी भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।